गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणेश जन्मोत्सव है और पूरे भारतवर्ष में ये पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और महाराष्ट्र में तो बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है और हर बार वो झांकियां निकाली जाती हैं और भगवान गणेश जी की है वो मूर्तियों की स्थापना की जाती है। तो 10 दिन का ये पर्व है गणेशोत्सव, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है मंदिरों में। आज गणेश चतुर्थी का ये पावन पर्व है तो बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए तारागढ़ी गणेश धाम आ रहे हैं। आपको पूरा मेला क्षेत्र दिखाने वाला हूँ, बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई है और कितने ज़्यादा वो श्रद्धालु है वो मेले का आनंद ले रहे हैं ये दिखाने वाला हूँ। तारागढ़ी गणेश मंदिर से देख रहे हैं, ये मंदिर है वो एक टीले पर स्थित है और काफ़ी ऊंचाई पर ये स्थित मंदिर है। तो देखिए कितना मनोरम दृश्य है। आज सुबह बारिश भी आई थी और इधर से वो भक्त वो दर्शन करने के लिए लाइनों में लगते हैं और उधर से वो वापस निकलते हैं मंदिर में दर्शन करने के बाद। और जो उधर है वो जो 1251 किलो का लड्डू बनाया गया है उसका भोग लगाया गया है भगवान श्री गणेश को, वो वितरित किया जाता है प्रसाद के रूप में। तो ये 2 से 3 घंटे वो लाइन में लग जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो भक्तों में बहुत ज़्यादा धैर्य है, वो लाइनों में लगे हुए हैं और बीच बीच में जो भी श्रद्धालु सेवा कर रहे हैं वो इन्हें वो ठंडा जल भी पिला रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि तारागढ़ी गणेश धाम में यदि आप हो बुधवार को और गणेश चतुर्थी के दिन आकर हो जो भी मनोकामना मांगते हैं वो आपकी पूर्ण होती है। तो बहुत सारे भक्त हो मेले का भी आनंद ले रहे हैं। तो बहुत ही आज हो ये बादलों से घिरा हुआ दिन है, ठंड का भी मौसम है और बीच बीच में वो धूप भी निकल रही है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये देपाल सर धाम गणेश जी का। मंदिर की खासियत ये है कि गणेश जी की जो मूर्ति है उसका मुंह है वो दक्षिणी दिशा की तरफ है, ये जो मूर्ति है वो दक्षिण मुखी है। भगवान गणेश की सवारी मूसक है और मोदक और लड्डू बहुत प्रिय हैं भगवान श्री गणेश को। तो आज तारागढ़ी गणेश धाम में 1251 किलो का वो आज लड्डू चढ़ाया गया है। हर बार है वो यहाँ पर वो बड़ा सा लड्डू का वो भोग लगाया जाता है और उसको बाद में प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे श्रद्धालुओं की वो यहाँ पर वो भीड़ है दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। तो राजस्थान के चूरू जिले का ये छोटा सा गाँव देपालसर और चूरू से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर ये तारागढ़ी गणेश धाम स्थित है। तो रिद्धि सिद्धि के देवता विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का ये पर्व है गणेश चतुर्थी, ये बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गणेश मंदिर देपालसर का नाम तारागढ़ी गणेश धाम रखने का हो एक विशेष ये कारण है कि जो जोधपुर की राजकुमारी थी उनके स्वप्न में आए थे भगवान श्री गणेश, तो इसीलिए वो उन्होंने यहाँ पर आकर तपस्या की और तो मूर्ति प्रकट हुई। तो इसीलिए इस धाम को तारागढ़ी धाम के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं कितनी लंबी कतार वो लगी हुई है श्रद्धालुओं की और श्रद्धालु डटे हुए हैं भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति के दर्शन करने के लिए। ये राजस्थान की एकमात्र दक्षिणमुखी गणेश मूर्ति है। ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में तारागढ़ी गणेश धाम की विशेष मान्यता है। यहाँ से श्रद्धालु है वो दर्शन करने के बाद वो आ रहे हैं। तो ये मंदिर है वो एक टिब्बे पर स्थित है तो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है गणेश जी का ये मंदिर। दक्षिणमुखी मूर्ति है यहाँ पर वर्ष की भांति इस बार भी हो मेजी सैनी ने हो जूस का ये स्टॉल लगाया है। आप देख सकते हैं सेवा का भाव लेकर हो हर कोई हो गणेश भक्तों का हो उत्साह बढ़ा रहा है। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी स्टॉल्स लगी हुई है और मेले का आनंद हो दोगुना हो जाता है जब आप हो इतने ज़्यादा वो लोगों को देखते हैं और आनंदित वैसे ही आपका मन हो जाता है। तो बहुत सारे श्रद्धालु है वो दर्शन करने के बाद है वो मेले का आनंद ले रहे हैं। कोई गन्ने का जूस पी रहा है तो कोई आइसक्रीम खा रहा है। मेले में वो आपको बहुत सारे खाने की चीज़ें मिल जाएंगी, आइसक्रीम वगैरह गन्ने का जूस वगैरह और पुलिस प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कचौरी समोसे चाउमीन चाट कॉर्नर है। तो मेले में वो भक्तों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। आइसक्रीम वगैरह सारी हो मेले में मिल जाएंगी और इधर हो रंग बिरंगे आप देख सकते हैं फालूदा भी है वो तैयार कर कर रखे गए हैं भक्तों के लिए। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा संख्या में वो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आज ये गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है।
और ये जो आप देख रहे हैं, बचपन में मैं इससे बहुत खेलता था, जब भी मेले में जाता था इसको ज़रूर खरीदता था। ये देखिए ये किस प्रकार से वो डांस करती है, तो ये इसको यहाँ से दबाना पड़ता है। आप देख सकते हैं मेला क्षेत्र में वो कितने सारे श्रद्धालु हैं, वो कई श्रद्धालु दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर जा रहे हैं, कई वो मेले में वो भ्रमण कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। मेले के अवसर पर जो भी है वो क्षेत्रीय दुकानदार होते हैं वो कई सारी स्टॉल्स लगाते हैं, तो हर वर्ष की भांति इस बार भी मेरा दोस्त पुरुषोत्तम सैनी ने वो जूस का ये स्टॉल लगाया है और ये बहुत ही शुद्ध रूप से वो ताज़ा फ्रेश जूस है वो पिलाता है भक्तों को, कोई मिलावट नहीं होती है। आप यदि इनको सेवा का मौका देते हैं तो बहुत ही शुद्ध तरीके से आपको वो गन्ने का जूस पिलाया जाएगा। संत दयावंत भगवान श्री गणेश जी का ये पावन पर्व है, गणेश चतुर्थी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितने सारे श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के बाद वो मेले का रुख कर रहे हैं। अभी मैं आपको पूरा मेला क्षेत्र वो भ्रमण करके दिखाने वाला हूँ, तो आप देख सकते हैं कितने सारे भक्त वो दर्शन करने के बाद वो मेले का आनंद ले रहे हैं। और ये देखिए ये एक स्पेशल चीज़ है, छोटी सी चुईया है, इसको पीछे से दबाना पड़ता है। बचपन में मैं वो जब भी मेले में जाता था तो इसको ज़रूर लेकर आता था। और ये महिलाओं की फैंसी ज्वेलरी और ये बच्चों की खिलौनों की दुकानें हैं और इधर आइसक्रीम वगैरह और इधर ये कुछ वो बप्पू वगैरह मिल रहे हैं, तो बच्चों को बहुत वो पसंद आते हैं ये चीज़ें। मेले में वो असली मज़ा है वो बच्चे ही लेते हैं। इधर ये चश्मे की स्टॉल है और इधर ये फैंसी आइटम है, चाबी छल्ले वगैरह, कुछ छोटे मोटे गेम और बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौने, तो महिलाएं वो जमकर ख़रीदारी कर रही हैं। ये गणेश चतुर्थी का अवसर है, तो इधर की साइड मंदिर की साइड भी और इधर भी वो बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई है, भक्त है वो जमकर ख़रीदारी कर रहे हैं। दर्शन करने के बाद वो खूब है वो आनंद लिया जा रहा है। और इधर बच्चों के ये कुछ हवा भरे हुए गुब्बारे वगैरह बड़े बड़े ये 10 रुपए में बिक रहा है। दीपालसर में पहली बार है वो कुछ झूले है वो आए हैं और शुरुआत हुई है, मुझे लगता है भविष्य में है वो बाद में बड़े बड़े वाले झूले भी वो आने शुरू हो जाएंगे। तो ये छोटा सा मिक्की माउस का एक झूला इधर लगा है जस्ट मंदिर के पास में, तो बच्चों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बप्पू है वो खरीद रहे हैं। देख सकते हैं कितने सारे श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, पुलिस प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है। और आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं वो दर्शन करने के बाद वो मेले का आनंद ले रहे हैं और जमकर ख़रीदारी कर रहे हैं। देखिए कितने सारे श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और ऐसा ही सिलसिला है वो शाम तक चलता रहेगा और भक्तों का तांता है वो इसी प्रकार से लगता रहेगा। और बहुत सारी मिठाइयाँ विशेषकर लड्डू है वो आज बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। दर्शन करने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु है वो बड़ी संख्या में वो पधार रहे हैं तारागढ़ी गणेश धाम। और बहुत सारे विशेषकर महिलाएं हैं वो खरीदारी कर रही हैं और बच्चों से लेकर वो हर कोई व्यक्ति है वो मेले में आनंद ले रहा है। और ये आप देख रहे हैं इधर कुछ फैंसी आइटम मिल रहे हैं, ये वही महिलाएं हैं जो हमारे गांवों में घर घर जाकर है, जैसे एक बड़ा सा वो छबड़िया बोलते हैं उसमें बहुत सारी वो अपने आइटम रखती हैं और हर घर में पहुंचाती हैं और महिलाओं के लिए चलती फिरती है दुकानें होती हैं। तो छोटे छोटे खिलौने टैटू वगैरह सारी स्टॉल्स सारी दुकानें लगी हुई हैं मेले के इस विशेष अवसर पर।